दरोगा साहब को हम बोल रहा है, दरोगी वाला बुद्धि नहीं लगी, दासों के गाली मत दीजिए, गाली देने से कोई फायदा नहीं होगा, जेल में अपना मुजरिम के दीजिए, लेकिन हमें एडमिशन आपसे करवाना है तो आईएएस बनने तक पहले बाउंड कर दीजिए। अच्छा, एकदम बाउंड करा लेना है मुख्यमंत्री से, आईएएस नहीं बनेंगे, पूरे सरकार से हम बाउंड करवाएंगे। खराब उत्पादन करने वाले की गलती है, पीने वाले की कोई गलती नहीं है। पीने वालों की सहायता से आप शराब को पकड़ सकते हैं। पुलिस वाला दिमाग मत लगाइए, बोलने से एक को सीख मिली कि शराब पीना एक गलत बात है। और अगर यही बात हम छुपाते कि हमको पापा शराब नहीं पीते, झूठ बोलते, तो आज भी ये पीते, उसी प्रकार इनका लीवर खराब हो जाता ना। जी हाँ, हमारे साथ आप जिस बच्चे को देख रहे हैं, बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। जी हाँ, जिस उम्र में कोई बच्चा अच्छा से बोल नहीं पाता है, कुछ कर नहीं पाता है, उस उम्र में बच्चा बिहार के मुख्यमंत्री जी से मिल लिया है। अब समझिए कि यहाँ से 2 किलोमीटर साइकिल चला के हरनौत में नीतीश कुमार जी का घर है, वहां पर जाके नीतीश कुमार जी आए हुए थे, उनसे मिलने का इन्होंने प्रयास किया और मिले। इनका नाम है सोनू कुमार, जो महज 11 साल के हैं। अच्छा, ये बताइए मुख्यमंत्री जी से मिलने का कारण क्या था? मुख्यमंत्री से मिलने का कारण था अपने परेशानी को बताना, जिससे हमारा परेशानी था कि हमको पढ़ना है और सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता। अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है? तो मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि सरकारी स्कूल में खूब पढ़ाई होता है। देखिए, अब वो है ऊपर में बैठते हैं, लेकिन नीचे पता उनको नहीं पता नहीं है। और ऑफिसर जो है वो रिपोर्ट कहाँ, न वो मांगते हैं न वो देते हैं, पता किसे चलेगा। इस स्कूल में कितना हमको परीक्षा दिए ना छोटा का, पता नहीं चला कि रिजल्ट निकला कि नहीं। अच्छा, किसी को पता नहीं है कि रिजल्ट। अच्छा, किसी को पता नहीं रिजल्ट, किसी का नहीं रिजल्ट, कितना नंबर आया नहीं, कोई पता नहीं। अच्छा, ये पेपर पे क्या लिखे रखे हैं, पेपर का टुकड़ा लिए हुए हैं? दीपक कुमार के सर हैं, नाम का एक सर है जो कि प्राथमिक विद्यालय निमकुल में जिसमें हम पढ़ते हैं, उनको हम एक एग्जाम में दे रहे थे छोटा का, तो उसमें इंग्लिश था, इंग्लिश था तो उसको जरा मैंने समझाना था, तो उनको बोले सर इसको समझाइए, तो वो जरा मैंने पढ़ रहा था और गड़बड़ा गए। अच्छा, तो हम समझ गए कि उनको नहीं आता। उसके बाद उनको हिंदी भी करने का है, वो भी नहीं। अच्छा, वो बोले मिस, नहीं आ रहा था। उनको वो बोले कि मिस को तुम जो है मैंने पूछो, तो हम बोले सर आप हैं, आपको आपको पूछनी है तो आप थोड़के हेड सर हैं जो मिस को पूछे, आपको काम नहीं कर, आराम से बैठ ले हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप बड़े छोटे हैं देखने में, लेकिन इतने बड़ी बड़ी बात कैसे कर ले रहे हैं भाई, इतने कम उम्र में बच्चे घर पे खेलते हैं। वो एक हैबिट है, हैबिट है, वो एक हैबिट रहता है जो कि वाह वाह क्या बात है, हैबिट बनाना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला कि मुख्यमंत्री जी से हमें मिलना चाहिए? ये सब उसी दिन हो जिस दिन मैंने एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि नीतीश वर्सेस स्पीकर था, तो उसी में बोले थे वो, तो हम सोचे हम क्यों नहीं ऐसा बोल सकते। मैंने विपक्षी पार्टी जो थे वो सवाल उठाए थे, तो मैंने गुस्सा हो गए थे ना, तो हम सोचे हम क्यों नहीं इनसे मिल सकते जब सब मिल सकता है। और एक बात और, हम देखे थे कि मैंने योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो है जिसमें कि बच्चा हेलीकॉप्टर पर बैठा था, तो हम सोचे कि हम भी उनसे मिलेंगे। यानी कि जब विपक्षी पार्टी मुख्यमंत्री से मिल सकती है तो हम क्यों नहीं मिल सकते ना। इस प्रकार से हम भी मिलने का ठान लिए, तो हरनौत में आए थे, वहाँ पर गए तो पता हुआ कि 4:30 बजे हम 9 बजे यहाँ से 8 बजे 7 बजे निकल गए। अच्छा, सुबह यहाँ से हरनौत के लिए। उस दिन छुट्टी था 17 मार्च को, और उसके बाद वो 4:00 बजे वो आईवे किए। अच्छा, 4 बजे आईवे किए, उसके बाद आए तो सबसे मैंने 1000 आदमी थे, सबसे आवेदन लिए, आवेदन लेकर के तो उस समय तो हमको तो आए, तो हम आवेदन दे करके बोले सर 1 मिनट पढ़ लीजिए, तो बोले हूँ करके आगे निकल गए। उसके बाद स्टेज पर जाकर के क्या बोले कुछ पता चला उतना, जब वो नहीं थे तो एक भी कम से कम 500 से ज्यादा आदमी नहीं था, और जब वो आए तो 2000 से ज्यादा हो गया। अच्छा, वाह वाह। तो क्या आपको उम्मीद था कि मुख्यमंत्री जी इतने बड़े पद पे हैं, आपसे मिल ही लेंगे? उस समय तो भाषण देकर के नीचे आए, तो बॉडीगार्ड बने सभी सहयोग में थे। हाँ, सहयोग में थे। SDM आशुतोष रंजन जो है वो भी सहयोग में थे, तो सब बॉडीगार्ड जो थे वो काम किए, मैंने रुकवाए उनको। हम बोले सर हमको पढ़ने के लिए मदद कीजिए, वो बोले क्या मदद कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज खुलवा दिए, तो हम बोले कि जितना हम चाहते हैं सर उतना स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है। तो वो बोले कि कितना कोई बच्चा कंप्लेन नहीं करता तुमको, पर हम देखते हैं अभी समय नहीं है, बाद में बात करते हैं। अच्छा, बहुत बच्चे होते हैं। उसके बाद वो कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई 17 मार्च से आज तक, और यहाँ पर मिले तो जाकर के पता, तो जाकर के मैंने
कंफर्म हुआ कि वो एडमिशन करवाऊंगा, लेकिन हमें एडमिशन आपसे करवाना है तो आईएएस बनने तक पहले बाउंड कर दीजिए। अच्छा, एकदम बाउंड करा लेना है मुख्यमंत्री से, आईएएस आईएएस नहीं बनेंगे, पूरे सरकार से हम बाउंड करवाएंगे कि आईएएस बनने तक आप पूरा खर्चे उठा देंगे, ताकि हम फिर कोई हमको दिक्कत ना हो सके। हाँ, यानी कि कहीं झूठ मूठ का वादा कर ले और बाद में छोड़ उड़ दे ना, हमको कुछ नहीं, दसवां तक के जो है हमको पढ़ाना नहीं है, हमको आईएएस तक के बनाना। वाह वाह क्या बात है। एक बार जिस समय हम मान सकते हैं आपकी जो है क्षमता को, मान सकते हैं कि एक बार हार होती है, सभी को होती है, तो ये उनसे केवल घबराए नहीं सर, हम अगर हार हो जाते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, और हमको अगर कोई चीज होती है तो हम उस पर ही भी हम अपना जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर कुछ होती है उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं अपने फादर से डरते हैं, आपने खुलेआम कहा कि हमारे पिताजी शराब पीते हैं, उन्हें अरेस्ट कीजिए। डरने से क्या फायदा है, एक दिन किसी को सबको मरना है। वाह क्या, चाहे अब ऐसे अब इनके हाथ से मरना होता तो इनके हाथ से, पिताजी है इनके हाथ से मरना होता तो इनके हाथ से मरना। पिताजी नहीं बोले कि जाके क्यों बोले हो मेरे बारे में, मारेंगे तुमको, ऐसा नहीं बोले? नहीं बोले मैंने कि कैसे क्यों बोला, पकड़ा जाएंगे तो फिर कौन मैंने खिलाएगा। हाँ, तो बोले कि अभी जिसे आप पीते थे किस कारण, एक चिंता के कारण, तो चिंता में तो सब आदमी पता, और उनमें शराब उत्पादन करने वाले की गलती है, पीने वाले की कोई गलती नहीं है। पीने वालों की सहायता से आप शराब को पकड़ सकते हैं। पुलिस वाला दिमाग मत लगाइए, एक डीएम का दिमाग लगाइए, हम दरोगा साहब को बोल रहे हैं। अगर आपको बड़े पद पे आपको बैठा दिया जाए तो आप पूरा संभाल लेंगे बिहार को, हमको लग रहा है कि दरोगा साहब को हम बोल रहे हैं, दरोगी वाला बुद्धि नहीं लगी, दसों के गाली मत दीजिए, गाली देने से कोई फायदा नहीं होगा, जेल में अपने मुजरिम के दीजिए, समझे, और अपनी दिमाग से काम लीजिए, दिमाग से। अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री जब आपसे मिले तो क्या कुछ कहे आपको, क्या बोले? वो बोले कि एडमिशन मैंने शुरू बार आए तो मैंने हम ऐसे करके हाथ फैलाए, बोले प्रणाम सर, तो बोले कि इसको तो हम देखे थे वहाँ, वो बोले, तो उसके बाद बोले कि क्या परेशानी है, वो पूछे, तो हम बोले सर वही परेशानी है जो कि हमको पढ़ाने के लिए हिम्मत दीजिए, हमको ही पापा पढ़ाना नहीं चाहते, उनके पास इतना क्षमता नहीं है, तो इसलिए वो बोले कि डीडीसी को बोले कि इसका एडमिशन करवा दीजिएगा, तो हम उनसे यही बात करना अच्छा, चाहते हैं। आईएएस आप बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आईएएस बन जाएगा लेकिन बनने के बाद घुसखोरी करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो क्या अभी ऐसा करेंगे? चोरी करने से कोई फायदा नहीं होगा, हम नॉर्मल जिंदगी जिएंगे। देखिए अगर आप एक आदमी से 10,000 करोड़ रुपया लेकर के बड़े से मुजरिम को पाकिस्तान के हवाले कर देंगे, चाहे पाकिस्तान वालों को अपना जानकारी दे देंगे, कोई भी देश को अपना जानकारी दे देंगे, तो क्या होगा कि जो है आपका देश तो बिछी गया, आप तो खुद बिछी गए, 10,000 रुपया 10,000 करोड़ रुपया का डाकू आपके पर रहेगा। क्या बात बताइए, अब वही आप 56,100 करोड़ महीना ले रहे हैं, उनसे आपका परिवार भी सुखी से चल रहा है। क्या चाहते हैं आपके पिताजी को, चाहते हैं कि आप अरेस्ट हो, मतलब वो सारा अगर तो। कानून कहती है तो हम अरेस्ट होने के लिए भी कहते हैं, अगर नहीं कहते हैं ऐसे तो गरीब है, चिंता में पीते हैं। अगर पिताजी मान लीजिए जेल में चल गए तो बड़ा परेशानी होगा उन पर, हम जो है कोई आरोप लगा नहीं रहे, उनको हम केवल बोल रहे हैं, उनको सीख मिली, बोलने से एक को सीख मिली कि शराब पीना एक गलत बात है। वाह और क्या बात है। अगर यही बात हम छुपाते कि हमको पापा शराब नहीं पीते, झूठ बोलते, तो आज भी ये पीते, उस प्रकार इनका लीवर खराब हो जाता ना। और लोगों को हम यही कहेंगे कि जो शराबियों हैं उनको शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीते हैं तो आपका नुकसान है, इससे बढ़िया नीरा पीजिए ना, और शराब बेचते हैं आप तो नीरा बेचिए, आपको 5 रुपया बढ़ा करके दीजिए, हम पापा को देते हैं 5 रुपया बढ़ा करके पैसा, हमको पापा से 5 रुपया बढ़ा करके पैसा लीजिएगा, नीरा बेचिए पियेंगे, रोज जा करके 10-20 गिलास दीजिए ना भाई, पी लेंगे नीरा, जाइए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के ये योजना से हम सहमत हैं, हम सभी योजना से सहमत हैं, लेकिन अफसर से हम सहमत नहीं है। अच्छा, यानी कि उनमें गलती नहीं है, उनके जो नीचे स्तर के अधिकारी होते हैं, अफसर होते हैं, वो मतलब घोटाला करते हैं। जिस समय अब वो माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके पास टाइम नहीं था, मानते हैं होता है, बड़े आदमी है तो होता है। अच्छा ये बताइए, देखने में बड़े छोटे हैं भाई, बड़े बड़े धमाका कैसे कर ले रहे हैं? वो हमारा एक हैबिट है, और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से, वर्तमान प्रधानमंत्री जी से हम सीखे। चलिए।